तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर रूम। तो गाइस अपना रूम हो गया चेंज। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, दो दिन के लिए मैंने कॉटेज लिया, दो दिन के लिए मेरा रूम है। तो अभी हो गया रूम चेंज। तो एंड इस बार इसमें कबर्ड भी है, वैसे हालांकि वो महंगा था, ये सस्ता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम पंजी के लिए। पंजी में क्या चीज़ है, पंजी में पंजी पूछ के बताएंगे, क्योंकि यहाँ से दूर है, जाने में लगेगा टाइम। तो मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने यार, तो जाने में लगेगा टाइम। तो जल्दी से यहाँ से रेडी होके निकलते हैं और पंजी पहुँचते हैं, और पंजी में फिर आपको एक्सप्लोर करते हैं। पंजी में आपको एक्सप्लोर नहीं करते, पंजी को एक्सप्लोर करना है। तो पंजी पहुँचते हैं जल्दी। गाइस ये खड़ी एंड इससे ही हमें जाना है पैलेस में। देखते हैं पेट्रोल कितना है कितना नहीं, आगे देखेंगे पेट्रोल पम्प के पास। एंड आज हम जाएंगे पंजी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो जल्दी से निकलते हैं पंजी में। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्या क्या देखना है हमें, हाँ क्या करना, क्योंकि थोड़ा सा ना सस्पेंस रहना चाहिए व्लॉग में। एंड यार ना मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, अभी सो के उठाऊँ ना तो मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जिसकी वजह से बॉडी पेन कर रही है। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ नीचे उतर रहा हूँ तो उसमें बॉडी तो दर्द करेगी, जो कि ये काम मैं करता नहीं हूँ। आप लोग सपोर्ट करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट भी करते रहो, बताते रहो कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं। यहाँ से जो पंजी के किलोमीटर है वो है 17 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है अराइवल टाइम जो है हमारा 44 मिनट। मतलब पंजी में जाने के लिए हमें जाम मिलेगा रास्ते में, इसलिए यहाँ पे मिली है लोकल मार्केट। पंजी जाने वाली रोड पे पड़ता है, चोगम रोड पड़ती है, चोगम रोड पे मिलेगी आपको लोकल मार्केट, जहाँ पे सारी ज्यादातर, हाँ ज्यादातर नहीं, सारी की सारी हाँ लोकल का ही व्हीकल है, टैक्सी वाला नहीं है। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट कैसा नहीं। बाकी आप लोग यहाँ आओ तो चोगम रोड पे मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे ना। और वो मुझे लग रहा है 44 मिनट में सही बोल रहा था, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा दिया कुछ खाने में। तो कुछ खाने में क्या, पाव भाजी खाई थी। यहाँ का पाव थोड़ा सा डिफरेंट है हमारी साइड से ना। फाइनली पंजी में तो हम आ गए, पंजी के पुल पे चढ़ गए हैं। और ये देखो साइड में समुंदर अंदर की तरफ, एंड सामने क्या दिख रहा है, क्रूज ये देखो। तो अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अभी राइड कर रहा हूँ ना। चलिए गाइस पंजी में नीचे की तरफ अंदर की तरफ भी आगे जहाँ क्रूज मिलेंगे, बट इनका ऑफिस देखते हैं, टिकट हाउस कहाँ पर है इनका, तो उसका टिकट लेते हैं, देखो अगर मिलेगा तो। एंड इनका क्रूज की जो टाइमिंग होती है वो होती है 5 से 8 बजे तक का, मतलब टाइमिंग होता है, टाइमिंग पीरियड जिसमें आप इनके टिकट्स ले सकते हो। बाकी कन्फर्म करके मैं आगे बता दूँगा, मेरे को इतना ही बताया था तो मैं इतना बता रहा हूँ। के बराबर में चल रहे कसिनो, ये देखो आप जहाँ पे क्रूज है वहीं पे, उसी के जहाँ पे क्रूज सिर्फ खड़े हैं वहाँ उसी के बराबर में आपको कैसीनो मिल जाएगा काफ़ी सारे। देखो बिग डैडी कैसीनो, ये देखो, एंड इसके बराबर में दिख रहा आप लोगों को। फाइनली अपने क्रूज का टिकट ले लिया, और यहाँ ये वाला अपना है पोलो, पोलो क्रूज। तो इसमें एंटर करते हैं, तो अंदर चलते हैं। अपना क्रूज चल चुका है, और हमारा जो टिकट था ये था हमारा 500 रुपये का, एंड इसकी जो फीस है ना 500 रुपये, अगर हम ज़्यादा लोग आते हैं तो उसका ना प्राइस कम हो सकता है, यहाँ पे 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 400 साढ़े 400, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा लोग ले आए हो तो उसके अकॉर्डिंग होता है। और ये सामने ये दूसरे वाला, ये डिनर वाला है, नहीं डिनर वाला नाइट में चलता है, एक तो 9 बजे, और शायद एक ये भी है जिसका प्राइस 1800 पर हेड, इसका पर हेड है 500 रुपये। तो बस यही सीन है आज के, कुछ ऊपर चलते हैं बाकी आपको दिखाते हैं। इसमें 2 फ्लोर है, एक तो ये वाला हो गया, नीचे वाला, नीचे एसी है, ऊपर ओपन है बिल्कुल, तो ऊपर वाले में चलेंगे अभी। सामने क्रूज दिख रहा है ना बड़े वाला, ये इसमें 4 फ्लोर होते हैं, इसमें एक ये बेनिफिट है, प्लस आप लोगों को खाना मिल जाएगा नाइट में, एंड ड्रिंक मिल जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ ऑप्शन है। तो ये 1800 का पड़ता है देन, इस वाले में हमें थोड़ा बहुत ही मिलता है, तो इस नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेंगे। बाकी एसी रूम है इसमें, 1 घंटा 15 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है, उसकी 3 घंटे की टाइमिंग होती है, वो पूरे समुद्र में घुमाएगा, ये भी 3 घंटे तक, 1 घंटे तक समुद्र में घुमाता रहेगा। तो बस ऊपर की तरफ आपको पहले मैं एसी रूम दिखाता हूँ उसका, चलिए यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस एसी रूम में। आगे तो अभी चल रहे हैं ऊपर, ऊपर वाला फ्लोर देखते हैं। फ्लोर गाइस कुछ इस तरीके का है इसका, 500 रुपये वाले का, तो इसमें बस इतना ही है, ऊपर म्यूजिक नहीं है, बस म्यूजिक नीचे की तरफ ही है। तो इससे ज़्यादा मुझे अच्छा वैसे वही वाला लगा, कहाँ गया हम, किधर से आए थे भाई, और वो एक खड़ा है सामने क्रूज,
ये जो सामने खड़ा है, तो इसके हिसाब से ऊपर वाला ठीक था। एंड ये ना, ये जो सामने की तरफ है ये कसिनो है। यहाँ पर आने के लिए ना छोटी छोटी बोटिंग होती है, जिससे वो लेगा सिप की बात कर रहा था वो रहा सामने, उस पर ओपन में डीजे चलता है, ऊपर लाइव परफॉर्मेंस भी दे सकते हो आप, सिंगिंग भी कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन थे उसमें। इसमें भी है, बट इसमें उसका मज़ा ये है कि आप खुले में आप डांस कर सकते हो वहाँ पर ना। बहुत अच्छी चल रही है, देखो यहाँ से भाई चल रहा है, यहाँ पर भाई लेकर उस टाइम पर सिप चला रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। और ये सामने सब ये कसिनो, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जो है ये कसिनो है। यहाँ पर आने के लिए आपको वही छोटे छोटे बोटिंग से आपको दिखाएंगे और आप फिर इनमें अंदर जा सकते हो। एंड इनकी पर हेड जो फीस होते थे 3,000 रुपये के आसपास ऐसा कुछ होता है, वो बाकी आप देख लेना कसिनो जो जाता है वो वही मतलब रेट का कन्फर्म कर पाएगा। मैं तो जाता नहीं, तो मैंने रेट मेरे को तो एक भाई ने बताया था 3,000 रुपये रेट, तो बस यही सीन है, बाकी कुछ नज़ारा आएगा तो ये देखो सामने की तरफ कितना सुंदर फ्लाईओवर लग रहा है जिससे हम आए थे। जब यहाँ पे आओ एक चीज़ का ध्यान रखना, क्रूज़ ना पहले देख लेना कौन सा आप, जैसे ये सामने की तरफ है ना, ये SR क्रूज़ है, इस पर ऊपर ओपन में डांस चल रहा है, ऊपर DJ भी है। एंड एक ये जा रहा है, इसका नाम है, इसका नाम नहीं दिख रहा है, मैं तो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप कोई किसी भी क्रूज़ में जा रहे हो तो पहले उसका फ़ोटो, एंड फोटो नहीं, उसे फ़ोटो ही देख लेना कि ऊपर उसमें ओपन में डांस होता है नहीं होता है। गाइज ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है ना, ये आगे की तरफ दिया, ये पूरा बंद है आगे की तरफ, बट साइड से थोड़ा सा रास्ता है आगे जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ना, एक बंदा है नीचे, दो बंदे क्रूज़ में हैं और बाकी एक पायलट है, एक बंदा और उसके साथ। नीचे जो बंदे हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई आगे जा सकते हैं, तो उसने कहा हाँ हाँ जा सकते हैं, बट थोड़ा पैसा लगेगा। मैंने कहा पैसा लगेगा, तो उसने कहा कि 50 रुपये एक फ़ोटो के, 3 फोटो के जो 150 रुपये। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अभी देख के बताता हूँ। फिर मैं ऊपर आया, ऊपर से मैंने कहा चलो एक बार जाके देख लेता हूँ। तो ऊपर आके मैंने जगह देखी तो ये ऐसी है, तो मतलब मेरा मन अगर मैं करता देता भी पैसे तो तब देता, अगर यहाँ पर अच्छा एरिया होता आगे कवर करने के लिए, बट आगे कवर करने के लिए एरिया ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कसिनो आ गया सामने और एरोप्लेन की शेप में है ये सामने वाला, ये देखो अभी तो बंद पड़ा है अलग किंग कसिनो, तो ये आई थिंक बाद में चलता होगा, लेट चलता होगा। और एक सामने वाला कसिनो है, एक साइड में खड़ा है हीरा, बहुत सारे कसिनो हैं इस रोड पे, मतलब इस समुंदर में। ये समुंदर नहीं, मतलब एक पार्ट बनाया हुआ अंदर की तरफ घूमने के लिए, मेन समुंदर तो इसके उस पार है, इस फ्लाईओवर के उस पार, दूसरी साइड जाना पड़ेगा समुंदर में जाने के लिए। तो है ना ये जो सिप खड़े हुए हैं इसमें ना पावर देने के लिए, देखो ये जनरेटर लगाए हुए, एक एरा एक एरा, एंड पीछे वो जो मैं बता रहा था फ्लाइट की तरह लग रहा है, बट वो ना शार्क की तरह से आगे से उसका मुँह ना, ये देखो इतना नहीं पता लग पा रहा है इसमें, बट हाँ उसकी शार्क की तरह मुँह है। अगर आप लोगों को लग रहा है तो कमेंट करके बता देना। इस फाइनली हमारा क्रूज़ रुक गया और हमें शायद यहाँ से जाना है, क्योंकि AC से मिला कर रोक रहे हैं, देखते क्या सीन बनते हैं। शायद हाँ इधर से बनेंगे, चाचा खड़े हैं तो मिलाने भी लगा, तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं। एंड एक बार और अंदर का कुछ इस तरीके से नजारा है, सामने कसिनो है सारे के सारे, एंड इधर कुछ नहीं, इधर बोट है, पीछे भी वही है बिग डैडी कसिनो के लिए। यहाँ से जाए बोट से जा रही है, एक एरी और एक एरी दोनों के सामने, एंड नीचे था बिग डैडी कसिनो, सामने की तरफ ये बात चलते हैं। एंड अपने शिप भी रुक गया, उसी से जाना जिससे मैं बता रहा था, काफ़ी भीड़ भी आ गया, आराम से चलते हैं। पहले फोन जेब में रख लो, कभी नीचे गिर जाए दोबारा मिलने का भी नहीं है, ऐसे में तो गिर गया तो वाटर प्रूफ बन रही हो। तो आगे की तरफ से ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे जाना है, एक कसिनो ये रहा जिसकी एंट्री यहाँ से होगी। एंड देखो ये कितने सारे, ये मैंने आप लोगों को वहाँ से भी दिखाए थे बुक रूज से, एंड बाकी आप दोबारा आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। इसे कसिनो रोड ही बोलते हैं, तो इस पर आप लोगों को यहाँ पर कसिनो ही कसिनो दिखेंगे। गाड़ी आ रही है जिसकी आवाज़ बड़ी सैड आ रही है, बाइक है, BMW थी। फाइनली लोकेशन पता आ गया, डोना पालो जीते, बाकी मैं इसका नाम डाल दूँगा, अजीब सा थोड़ा सा बोलने में, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए एंड मुझे कोई डाउट ना रहे। कहते सिंगम की जो शूटिंग हुई थी उसके वजह से कि उस लोकेशन को देखा था जब यहाँ तक आए हैं, तो बट यहाँ तो एक स्यापा हो गया, ये तो अंधेरा हुआ पड़ा है, जिसका मुझे बताया भी था चाचा ने कि नाइट में अब खुलता नहीं है, ये पूरा बंद किया हुआ है इधर से ना आगे, कैमरे में तो ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। एंड सामने की तरफ वो सिटी दिखाई दे रही है,
यही वो लोकेशन है जहाँ पे शूटिंग हुई थी सिंघम की। पता लगा भैया यहाँ पे बैठे अंधेरे में कोने में, तो ये आगे ब्रिज टूट चुका है तो इस पे काम चल रहा है एंड ये खुलेगा नेक्स्ट ईयर। तो अभी यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं तो मैंने उनसे बात करके देखा तो उन्होंने बोला कि खुलेगा बट नेक्स्ट ईयर खुलेगा। तभी मैं बोलूँ कि ये लाइट क्यों बंद है यहाँ पे, लाइट तो खुली होती है चाहे अलाउ हो या ना हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक जगह और जाना है उसे और एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आगे सामने स्कूटी जा रही है ना, इन भाई ने मुझे एक चर्च बताई है पंजी के अंदर जो हॉन्टेड चर्च है, तो उसके लिए मैं कल आऊँगा स्पेशली। मैं आज तो मैं दूसरी चर्च पे जा रहा हूँ जो मेरे को बता दी, बट अभी एक है मन की चलो देखते क्या सीन बनते हैं आगे के। तो अभी निकलते हैं सीधा चर्च की तरफ। अभी हम जिस चर्च पे जा रहे हैं, मैंने उसका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसका नाम ले ही नहीं पाऊंगा, नहीं लिख दूंगा नाम तो वो आप नाम पढ़ देना। एक अच्छी चीज़ लगी वो ये कि देखो ये रोड देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है एंड इस साइड में बोर्ड लगे हुए ग्रीन पंजी, ग्रीन पंजी। मैंने यहाँ पे एक चीज देखी यार, पंजी ना बहुत शांत एंड गंदा भी नहीं है पर बिल्कुल क्लीन पंजी दिख रहा है। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ लगे, मतलब मैं तो इन पेड़ों को देख देख के ना यार लिटरली ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमरा भी इतना सुंदर नहीं बता पता जितना यार हम आंखों से देखते हैं ना, अमेजिंग यार। मतलब ये ना देखने लायक चीज़ है, मतलब पंजी में रात को घूमने के पर्पज से आओ आराम से घूमो तो अच्छी जगह है, एक दिन का स्टे ले सकते हैं पंजी में। नली चर्च पाग और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है सामने की तरफ, अमेजिंग व्यू यार। तो आगे की तरफ चलते देखते पहले स्कूटी लगाते साइड में। गाइज ये है सामने चर्च, तो इसका पीछे की तरफ से रास्ता दिखा रहा है हालांकि आगे से इधर से बंद है, देखते आगे चल के। वैसे तो बोलते हैं कि 9 बजे बंद हो जाती है एंड देखते इधर से शायद रास्ता है, गूगल मैप पे जो दिखा रहा है वो इधर से दिखा रहा है। वैसे मुझे लग नहीं रहा इधर से कहीं से रास्ता होगा, फिर भी चलने में क्या जा रहा है जाके देखते हैं आगे की तरफ। है तो पीछे से ही बट अभी है बंद, नो एंट्री लिखा हुआ है। तो यहाँ से अभी जाते हैं वापस। बस आज के व्लॉग में इतना ही, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना सब्सक्राइब करते वक्त। आज के व्लॉग में इतना ही, जय हिंद जय भारत।